हेलो, वेलकम टू क्राउन इमिग्रेशन। सो आज हमारी जो पूरी टीम है, काउंसलर की टीम विद हमारे डायरेक्टर के सर के साथ बैठे हुए हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमसे ये क्वेश्चन होता है कि वो हमारे डायरेक्टर सर से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लॉट्स ऑफ द क्वेरीज। सो सर आज हमारे साथ हैं, तो आज हम सर से वो वाले क्वेश्चन पुट करेंगे जो आप हमसे पुट करते हो, डैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। ओके, सो सर प्लीज़, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ, और आपको भी मैं थैंक्स करूँगा कि आपने भी अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला है और इस मंच पर आए हैं। तो हमारे ये चारों जो लड़कियाँ हैं काउंसलिंग एज वेल एज कॉलिंग को देखती हैं, तो पेरेंट्स के और बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक पेरेंट्स को, हर एक बच्चा ये चाहता है कि हम कंपनी के डायरेक्टर से डायरेक्टली बात करें। तो ये ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस को नोट करती हैं, मुझसे वो चीज़ें क्लैरिफाई करती हैं और बच्चों को कन्वे करती हैं। तो हमने ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो आम पेरेंट्स, आम बच्चे जब भी उन्होंने फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए जाना होता है तो वो पूछते हैं। तो वन बाय वन करके ये क्वेश्चंस हमसे पूछेंगी हमारी ये दो चारों की चारों लड़कियाँ। तो इवन अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है फॉरेन स्टडी से रिलेटेड, अगर आपने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को हमारे कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करें, ताकि आने वाली जो ऐसी कमिंग वीडियोस रहेंगी उनमें उन क्वेश्चंस को ओपनली डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं मैडम तनु से पूछूंगा। मैडम, आप क्वेश्चन पूछें जो आम बच्चे हमसे पूछते हैं जब भी आपको कॉल आती है। तो सर, अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस होता है वो बच्चों का ये है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग उनको क्या आएगी अगर वो किसी भी कंट्री में जाते हैं शेंगेन में। ठीक है, तो ऐसे है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन पेरेंट्स का यही रहता है कि वहाँ की ट्यूशन फीसेस क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो ऐसा है कि इट इज़ अगेन डिपेंड ऑन द कंट्री, क्योंकि शेंगेन के अंदर 29 कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट डिफरेंट की है। तो आप मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है 100 यूरो लेकर चलें, डिपेंड ऑन कंट्री। जैसे मैं रोमानिया जो शेंगेन में ज्वाइन किया है, लिथुआनिया जो शेंगेन में ज्वाइन किया है, तो इन कंट्रीज की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग 100, 150 यूरो, 200 यूरो के बीच की है। बट इसी को अगर हम कंपेयर अनदर कंट्री के साथ, लग्जमबर्ग के साथ कंपेयर करें, जर्मनी के साथ कंपेयर करें, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क जैसी कंट्री के साथ कंपेयर करें, तो वहाँ पर 250 यूरो, 300 यूरो से स्टार्ट होकर 500, 450 यूरो तक की रहती हैं। इवन स्टूडेंट इन चीज़ों को, जो अपने लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो ड्यूरिंग द पार्ट टाइम कवर कर सकता है। लेकिन अभी बच्चा कहे कि मैंने ड्यूरिंग द पार्ट टाइम अपनी जो ट्यूशन फीस को जनरेट करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट किसी भी स्टूडेंट ने फॉरेन कंट्री में जाना है, मेरी हर एक पेरेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने एक साल के एक्सपेंसेस प्लस एक साल की ट्यूशन फीसेस को जरूर कवर करें, क्योंकि जाते ही कहीं पर जॉब नहीं मिलती है। तो अभी मैं मैडम से पूछूंगा, रवनीत मैडम भी है हमारे साथ। रवनीत मैम, आप पूछिए कोई क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है। सर, बच्चे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम विदाउट आईएलटीएस, विदाउट पीटी स्टडी वीजे के लिए जा सकते हैं। तो शेंगेन में या अनदर? शेंगेन में देखिए, हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर आप विदाउट आईएलटीएस, विदाउट पीटी जा सकते हैं। तो अगेन डिपेंड किया है कि आपकी प्रीवियस स्टडी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहा है। इवन आप ह्यूमैनिटी के भी स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटी मीन्स आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप स्टेट बोर्ड के पढ़े हुए हैं, आपने आर्ट्स से अपनी ट्वेल्थ की हुई है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी लोकल लैंग्वेज है, पंजाबी में या हिंदी में या तमिल में या आप गुजराती लैंग्वेज में की है, तो तब भी विदाउट आईएलटीएस पीटी आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं शेंगेन में। बट उनकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वो अपना ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। तो अगर बच्चा वो अपना इंग्लिश टेस्ट पास कर देता है तो बच्चे को विदाउट आईएलटीएस, विदाउट पीटी भी वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अभी क्वेश्चन आता है कौन सी कंट्री है। कंट्री में लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड जैसी कंट्री, इनमें विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं। इवन आप फिनलैंड जैसी कंट्री में भी विदाउट आईएलटीएस पीटी जा सकते हैं, बट उनकी कंडीशन ये है कि आपकी जो स्कूलिंग है वो सीबीएसई बोर्ड से हो और आपके पास 65% मार्क्स मैथ और इंग्लिश में होने चाहिए, तो आप विदाउट आईएलटीएस भी जा सकते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो स्वीडन जैसी कंट्री भी आपको विदाउट आईएलटीएस और पीटी एडमिशन दे सकती हैं।
तो पूजा मैडम आपसे पूछते हैं कि और बताइए कोई क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का रहता है। सर शेंगेन कंट्रीज में स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? हाँ, अभी क्वेश्चन आया कि शेंगेन में अगर स्टूडेंट ने जाना है, एडमिशन लेना है, तो एडमिशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी डिपेंड अगेन है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से प्रोग्राम में, कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। तो कुछ कंट्रीज में कुछ चीज़ें की उन्होंने फिक्स की हुई है क्राइटेरिया कि अगर आपने बैचलर डिग्री के लिए जाना है तो आपकी एज 25 से बिलो होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज ने पैरामीटर ये फिक्स किया है कि आपके जो परसेंटेज है 60% से कम नहीं होने चाहिए। इट इज अगेन डिपेंड, कुछ कंट्रीज में IELTS PT मैंडेटरी रहता है कि अगर आपने इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में आना है। तो अगेन हम बच्चे की प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा 3 इयर्स का किया होता है, वो कहते हैं कि क्या मेरी एलिजिबिलिटी है, उनकी भी शेंगेन कंट्रीज में एलिजिबिलिटी है। कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने अपनी जो एजुकेशन है ओपन स्कूल से की हुई है, NIS बोर्ड से की हुई है, कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ शेंगेन कंट्री में। इट इज अगेन डिपेंड, बहुत सारी शेंगेन कंट्रीज एवरी ओपन बोर्ड को एक्सेप्ट करती हैं, जर्मनी जैसी कंट्री ओपन बोर्ड को, डिस्टेंस एजुकेशन को, NIS बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं करती है। इट इज अगेन डिपेंड, ये सारा का सारा एनालाइज क्राउन इमिग्रेशन के पास है, क्योंकि हमारे पास 29 कंट्रीज हैं। हमारा डेडिकेटेड असेसमेंट फॉर्म है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को असेस करवाना चाहते हैं तो वो फॉर्म भर के भेजें, हम इमीडिएटली आपको बता देंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन सी कंट्री में बनती है। क्राउन इमिग्रेशन के 29 कंट्रीज की जो स्टडी वीजा की पॉलिसीज है ऑन अवर फिंगर्स है, हर कंट्री के ऊपर हमने प्लेलिस्टें बनाई हुई है। तो अभी हमारी अनदर काउंसलर है रवनी मैडम, इनसे भी गुरप्रीत से भी पूछेंगे कि मैडम आपका कोई क्वेश्चन बताइए। क्या जर्मनी में स्टूडेंट के साथ स्पाउस जा सकता है, कितने टाइम तक जा सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। बहुत सारे जो फेक कंसल्टेंट मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं इस वे से प्रमोट करते हैं जर्मनी को कि जर्मनी में स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जर्मनी में अगर आपने अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है तो स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को अवॉइड करें। जर्मनी इज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द स्टूडेंट स्पाउस और डिपेंडेंट। प्रोविजन है, प्रोविजन में क्या है कि आफ्टर 1 ईयर ही स्पाउस जा पाएगा, प्लस स्पाउस को B1 तक अपना A1 तक अपनी जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, साथ में स्पाउस को अपना ब्लॉग्ड अकाउंट भी दिखाना पड़ेगा अगर वहां पर जो गया है उसका स्टूडेंट का स्टेटस है। अगर उसके पास वर्क परमिट का स्टेटस है जर्मनी के अंदर, स्टूडेंट जाने के बाद वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, 3-4 महीने की सैलरी उसके अकाउंट में आ जाती है, तो फिर उसको ब्लॉग्ड अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी अगेन हम तनु मैडम के ऊपर आते हैं, तो मैडम और पूछिए क्या क्वेश्चन है। सर मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है बच्चों का यही होता है कि हमें पब्लिक यूनिवर्सिटी मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी, और दोनों में से बेस्ट कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके पीछे बहुत सारे झोल हैं, तो इन चीजों से अवेयर रहें। मैं ऑलवेज एक ही चीज रिकमेंड करता हूं, अगर शेंगेन में जाना है ओनली थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीसिस आर वेरी वेरी इकोनॉमिकल, इवन बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी बहुत सारी कंट्रीज की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। तो इवन जो एम्बेसीज हैं वो भी उन बच्चों को प्रायोरिटीज देती हैं वीजा की जिनका एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज से आता है, दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू देम। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का भी कॉम्पिटिशन रहता है। प्राइवेट क्या है, मेरे जैसा दुकान या यूनिवर्सिटी खोली हुई है, हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडमिशन और पैसा लेने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर कोई रिजेक्ट एडमिशन क्राइटेरिया होता नहीं है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो एटलीस्ट वहां की यूनिवर्सिटीज की सर्च जरूर करें, उनकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग चेक करें, उनका देखें कि कब की ये एस्टेब्लिश हुई हैं, कितने इसके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। जो नई नई यूनिवर्सिटीज वहां पर खुलती हैं वहां पर इस टाइप के भी स्कैम आए हैं कि बच्चों की ट्यूशन फीसेस रिफंड नहीं आती जो प्राइवेट में जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऐसी चीजों से आप बच सकते हैं अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कि ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ऐसा जो सेशन है हमारा हफ्ते में 2 बार हमारे चैनल पर आता रहेगा, 2 times हम ऑलवेज
इस सेशन को लेकर आप तक आते रहेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। हमारी ये काउंसलर हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, इस इंडस्ट्री में इनको 2-3 साल हो चुके हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपके भी आने वाले टाइम में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ें, ताकि हम आने वाली कमिंग वीडियो में उन चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि इनके पास अभी भी बहुत सारा मटीरियल पड़ा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, जो काउंसलर जो हमारे हैं या कॉलिंग स्टाफ हमारा इतना कॉम्पिटेंट है, तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी डेडिकेटेडली हम इस कंपनी को रन कर रहे हैं। तो अगर आपका क्वेश्चंस फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है तो आप हमें अपना कोई भी कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।